हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आज आपको, और मैं जानती हूँ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका आज मैं आंसर करूँगी इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते होंगे, ऑडिटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो आप प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर ऑडिटिंग के सभी लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी ऑडिटिंग की वहाँ पर। ऑलराइट, चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और KU यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी, MDU में भी है ना, और अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऑलराइट, तो इसका हम आंसर करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ना टर्म पता होनी चाहिए, ये ब्लड हाउंड क्या है। वॉच डॉग तो समझ में आ रहा है कि ऐसा डॉग जो वॉच करे, राइट। तो ऑडिटर को वॉच डॉग बोला गया है, ब्लड हाउंड नहीं है। कहने का मतलब है कि एक ऑडिटर वॉच डॉग तो है कि हाँ, उसको यू नो सब चीज़ों की निगरानी रखनी है, बट वो ब्लड हाउंड नहीं है। ब्लड हाउंड कौन होते हैं? ब्लड हाउंड ऐसे डॉग्स होते हैं जिनकी यू नो स्मेल बहुत यू नो तेज़ होती है, और जिन डॉग्स को यूज़ किया जाता है किसी को ट्रैक करने के लिए। तो बेसिकली इनको हम ट्रैकिंग डॉग भी बोल सकते हैं, जो ट्रैक करें, है ना। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आंसर हमें गिवन है, सबसे पहले एक केस बोला गया है कि इन द केस ऑफ रे किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1986 में लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने ये बोला था कि ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टिव, कि ऑडिटर को बाध्य नहीं कर सकते हम कि वो डिटेक्टिव का काम करे। एज वो सेड टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशन और विद अ फॉरगोन कंक्लूजन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसका जो वर्क है, अप्रोच इज वर्क विद सस्पिशन, उसका जो काम है वो सिर्फ संदेह करना है, शक करना है, सस्पिशन का काम है ना। और ही इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। वो सिर्फ क्या है? वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। ठीक है, वॉच डॉग जिसका काम क्या है? सिर्फ देखना, राइट, नॉट अ ब्लड हाउंड की डिटेक्टिव की तरह काम करना, नो। तो द अबव गिवन स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द जॉब ऑफ एन ऑडिटर इज दैट ऑफ चेकिंग द अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ अ डिटेक्टिव। कि जो ऊपर स्टेटमेंट थी जिसमें हमने पढ़ा कि जो ऑडिटर की जॉब है वो क्या है? अकाउंट्स की चेकिंग करना, वो डिटेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑडिटर एक डिटेक्टिव नहीं है, ऑडिटर का काम क्या है? अकाउंट्स चेक करना। तो एन ऑडिटर मस्ट बी एक्टिव एज वेल एज अवेयर। तो ऑडिटर को एक्टिव भी होना पड़ेगा, अवेयर भी होना पड़ेगा, लाइक अ वॉच डॉग, जैसे एक वॉच डॉग होता है उस तरीके से। एंड ही मस्ट कीप हिज आईज एज वेल एज नोज ओपन। तो उसको अपनी आंखें और अपनी यू नो नोज को ओपन करना रखना होगा। ही मस्ट कीप हिमसेल्फ रेडी टू फाइंड द एरर्स एंड फ्रॉड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। की उसको अपने आप को रेडी रखना होगा कि वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स और फ्रॉड्स है उनको फाइंड आउट कर सके। तो एन ऑडिटर मस्ट यूज अटमोस्ट स्किल। तो वो ऑडिटर जो है अपनी यू नो बेहतरीन स्किल्स को यूज करेगा, अपनी अवेयरनेस को, केयर को, वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिटिंग वर्क, जब भी वो अपना ऑडिटिंग का काम करेगा तब। तो द केयरफुलनेस एंड स्किल कैन बी डिफरेंट। तो केयरफुलनेस एक अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंपनी, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड्स। तो जो भी यू नो कंपनी के अकॉर्डिंगली होता है सब चीज़ें, यू नो उनके अकॉर्डिंग होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो एन ऑडिटर शुड नॉट अटैक एट एवरीवन लाइक अ ब्लड हाउंड। तो ऑडिटर को यू नो सभी पर एक तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए एक ब्लड हाउंड की तरह, है ना, सभी पे यू नो अटैक नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट अज्यूम इन एडवांस। मतलब कहने का मतलब है
कि उसको एडवांस में ही अजम्पशन नहीं लगानी चाहिए, एडवांस में ही कुछ नहीं सोच लेना चाहिए, है ना. दैट ऑल द एम्प्लॉयज एंड द ऑफिशियल ऑफ ए कंपनीज आर डिसऑनेस्ट, मतलब जैसे कि उसने पहले से ही यू नो प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ ये जो कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं ये सारे डिसऑनेस्ट हैं, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए. ठीक है, दे कमिट फ्रॉड्स विद रिगार्ड टू अकाउंट्स, है ना. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले से ही कुछ प्रिजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए कि कंपनी के लोग हाँ डिसऑनेस्ट ही हैं या फिर उन्होंने फ्रॉड्स कमिट करे हैं रिगार्ड टू अकाउंट्स, मतलब अकाउंटिंग अकाउंट से रिलेटेड. तो इफ़ ही डज सो, लेकिन अगर वो ऐसा करता है, देन एन ऑडिटर कैन नॉट गेट द कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. फिर उसको कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऑडिटर को कोऑपरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो अकाउंट्स चेक कर रहा होता है ना. और ऐसे ही अगर वो अपना प्रिजम्पशन बना लेगा और एक ब्लड हाउंड की तरह एक्ट करने लग जाएगा कि हाँ तुम तो डिसऑनेस्ट ही हो सारे, तो कौन उसको कोऑपरेट करेगा है ना. तो इफ़ एन ऑडिटर हैज़ एनी डाउट ऑफ एरर और फ्रॉड, अगर ऑडिटर को ये डाउट है कि कोई एरर है या कोई फ्रॉड है, देन इट इज़ हिज ड्यूटी, तो उसकी ड्यूटी रहेगी कि डिटेक्ट करना एरर्स और फ्रॉड्स को बाय चेकिंग अकाउंट्स चेक करके और अदर बुक्स वाउचर्स जो भी हमारे होते हैं उनको. तो ऑडिटर का काम क्या होता है, अकाउंट्स चेक करना, अकाउंटिंग बुक्स को चेक करना, वाउचर्स को मेनली चेक करना, एंड बाय मेकिंग इंक्वायरीज फ्रॉम द कंसर्न पर्सन्स, यानी कि जो भी उन बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटेंट्स उनसे क्वेरीज भी करना. इट इज़ हिज ड्यूटी टू ऑब्जर्व द फैक्ट लाइक अ वॉच डॉग. तो एक ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है कि वो फैक्ट्स को वॉच डॉग की तरह ऑब्जर्व करें और चेक करें उनकी ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस, कि उनमें यू नो कितनी सच्चाई है, कितनी शुद्धता है. तो ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट एज अ वॉच डॉग नॉट एज अ ब्लड हाउंड. तो ऑडिटर को किस तरीके से इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब निगरानी यानी कि यू नो इंस्पेक्शन करनी चाहिए, किस तरीके से चेकिंग करनी चाहिए, वॉच डॉग की तरह, ना कि ब्लड हाउंड की तरह. ऑल राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. अब कुछ पॉइंट्स यू नो ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए, वो क्या है, मतलब कंसिडर करने चाहिए. नंबर वन है, ऑडिटर शुड नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस. तो इस पॉइंट में हमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर शुड नॉट डाउट और सस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज. ऑडिटर को यू नो संदेह नहीं करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ को विदाउट एनी वैलिड प्रूफ. ठीक है, सबसे पहला ये है. तो इसको हम बोलेंगे ऑडिटर शुड नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस, मतलब बिना प्रूफ के आप किसी पे शक नहीं कर सकते, तो ऑडिटर को नहीं करना चाहिए. उसके बाद काफ़ी यू नो केस भी गिवन है इसी पॉइंट में कि हम केस की स्टडी करेंगे. तो केस ऑफ आर्मिटेज वर्सेस ब्रूअर एंड नॉट, जस्टिस टेलबोट सेड दैट ऑडिटर शुड बी सस्पिशियस. इन्होंने कहा है, कॉन्ट्ररी बोला है, यानी कि इस पॉइंट के खिलाफ बोला है कि एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, संदेह वाला होना चाहिए, यानी कि शक करने वाला होना चाहिए. बिकॉज इफ़ एवरी एम्प्लॉयर इज़ ऑनेस्ट एंड केयरफुल देर इज़ नो नीड ऑफ ऑडिटर. क्योंकि उनका एक पॉइंट है, उन्होंने एक पॉइंट से ये बात बोली है, एक पॉइंट के बेस पर ये बात बोली है कि ऑडिटर को सस्पिशियस होना चाहिए. किस पॉइंट के बेस पर, कि अगर सभी एम्प्लॉयर ईमानदार होते और केयरफुल होते तो ऑडिटर की ज़रूरत पड़ती ही ना. ऑडिटर की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, राइट. तो इसीलिए ऑडिटर को क्या होना चाहिए, सस्पिशियस. ये कॉन्ट्ररी में बात की गई है. बट हेयर द वर्ड सस्पिशियस डज नॉट मीन दैट ही मे डू अननेसेसरी डाउट. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी बोली गई है कि हाँ सस्पिशियस होना तो चाहिए, लेकिन सस्पिशियस का मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी डाउट करोगे एम्प्लॉयज पे, कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ भी नहीं रही डाउट करने की वहाँ भी आप डाउट करो, ऐसा नहीं होगा. तो दिस वर्ड इंडिकेट हिम टू बी केयरफुल और कॉशियस. तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिटर को केयरफुल होना चाहिए, है ना. तो बेसिकली ये पॉइंट हमें ये बोलता है. उसके बाद पॉइंट नंबर टू है, एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट. तो सबसे पहले तो ऑडिटर खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे की डिसऑनेस्टी को रिवील कर पाएगा, राइट. तो ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट एज अ वॉच डॉग, और ऑनेस्ट होना चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द एम्प्लॉयर्स. तो बेसिकली इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैंने आपको बता दिया. पॉइंट नंबर थ्री है, एन ऑडिटर शुड परफॉर्म हिज वर्क टैक्ट
केयरफुली एंड कॉशियसली, कि ऑडिटर को अपना काम जो है काफ़ी यू नो सावधानी पूर्वक, यानी कि सावधानी बरतते हुए करना चाहिए. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू परफॉर्म हिज वर्क टैक्टफुली एंड कॉशियसली. बट वॉट इज टैक्टफुली एंड कॉशियसली, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ एन इशू. तो ठीक है, सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा. इफ ही हैज एनी डाउट लाइक अ ब्लड हाउंड, अगर उसको डाउट है एक ब्लड हाउंड की तरह, तो ही शुड हैव टू मेक इन इंटेंसिव. तो उसको जो है उस चीज को इंटेंसिवली चेक करना पड़ेगा, चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. उसके बाद द ऑडिटर डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी. तो ऑडिटर कभी भी, ऑडिटर को गारंटी की एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता ऑडिटर, है ना. ऑडिटर डजेंट गारंटी एक्यूरेसी, मतलब कि एक्यूरेसी की गारंटी कभी भी ऑडिटर नहीं करता. तो अ वॉचडॉग डज नॉट गारंटी दैट इट विल कैच एवरी पर्सन हु ट्राइज टू हार्म इट्स मास्टर. तो वॉचडॉग क्या होता है, वॉचडॉग कभी भी गारंटी नहीं लेता कि वो उन सभी पर्सन्स को पकड़ लेगा जिसके जिसको उसके जिन जिन पर्सन्स ने उसके मास्टर्स को हार्म किया. तो ऑडिट वॉचडॉग कभी भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता. और ऐसे ही ऑडिटर का काम होता है, ऑडिटर को कभी भी यू नो गारंटी नहीं लेता कि वो सभी फ्रॉड्स, सभी एरर्स को कैच कर लेगा. ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एन ऑडिटर मस्ट यूज रीजनेबल स्किल एंड केयर. तो ऑडिटर को रीजनेबल स्किल और केयर यूज करने ही चाहिए. तो अ वॉचडॉग इज ऑलवेज अलर्ट एंड वॉचफुल, क्योंकि जो वॉचडॉग है वो हमेशा अलर्ट रहता है, वॉचफुल रहता है. इट डजेंट स्लीप साउंडली ड्यूरिंग नाइट, मतलब वो सोते टाइम यू नो साउंडली स्लीप नहीं करता, यानी कि खर्राटे नहीं मारता बेसिकली. तो सिमिलरली एन ऑडिटर शुड डू इज वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड केयर. तो इसीलिए एक ऑडिटर को भी अपना काम रीजनेबल स्किल और केयर के साथ करना चाहिए. इफ ही सेंसेस एनीथिंग रॉन्ग, अगर उसको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो उसको उस बात की गहराई तक जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है, एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टिव. कि ऑडिटर यू नो बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है कि वो डिटेक्टिव हो. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि जो मेन उद्देश्य है ऑडिटर का, वो क्या प्रेजेंट करना है, एक सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना, सिर्फ उसका ये काम है. तो इस पर्पस के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है, लाइक अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. ठीक है, ब्लड हाउंड की तरह नहीं, एक वॉच डॉग की तरह. तो ही इज नॉट बाउंड टू इंस्पेक्ट लाइक अ डिटेक्टिव बाय मूविंग हेयर एंड देयर. यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ही इज नॉट बाउंड टू इंस्पेक्ट लाइक अ डिटेक्टिव, कि बाउंड नहीं है कि वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करे, इधर उधर मूविंग करे, है ना. इफ ही परफॉर्म इज वर्क केयरफुली, अगर वो अपना काम ढंग से करता है, ऑनेस्टली करता है, केयरफुली करता है, तो वो कभी भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी एरर्स और फ्रॉड्स का. उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, एन ऑडिटर मस्ट नॉट एग्जामिन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ओनली. तो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को ही एग्जामिन नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. अ वॉचडॉग सेफगार्ड्स इट्स मास्टर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स एंड नॉट फ्रॉम वन साइड ओनली. आप जानते हो कि वॉचडॉग अपने मास्टर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, चारों ओर से एक तरीके से, है ना, ना कि सिर्फ एक साइड से, है ना. तो सिमिलरली एन ऑडिटर मस्ट नॉट एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. तो इसीलिए एक ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको सब चीज़ों, अकाउंट्स के सभी एंगल्स को एग्जामिन करना चाहिए. आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऑडिटिंग की जो भी प्लेलिस्ट है वो आप ज़रूर चेक करें चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में. सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को. थैंक यू सो मच.